हेलो एवरीवन दिस इज एलिक स्मिथ वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के सेशन में हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2019 थाउजेंड नाइनटीन एंड ट्वेंटी का तो ये हमारा चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट टू है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं यानी जो आपकी पॉलिसीज़ हैं आपकी न्यू पॉलिसीज नोटिफाइड है टू में तो वो हम इकोनॉमिक सर्वे में ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी आपकी जो आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट वगैरह और साथ ही में आपकी टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी को हमने डिस्कस कर लिया था और साथ ही में हमने डिस्कस किया था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और साथ ही में आपका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इसके हाईलाइट्स हमने देखे थे तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका क्या आपका आई टी आई टीज एंड ई एस डी एम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी टू थाउजेंड नाइनटीन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हम इसको यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे तो इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप उन्हें देख सकते हो प्लेलिस प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा वहाँ पर प्ले लिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश बजट की भी इकोनॉमिक सर्वे की भी तो आप सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक हम बात करें आपकी आई टी आई टीज एंड ई एस डी एम की जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है ये पॉलिसी नोटिफाई हुई 2019 की तो इसे हम यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे अब शुरू करते हैं आपका जो पॉलिसी दिस पॉलिसी इनेबल्स अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फॉर सेटिंग आई टी आई टीज एंड ई एस डी एम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैनुफैक्चरफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट मोर इम्प्लायमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट अब बात क्या कही जा रही है कि जो आपका 2019 की ये पॉलिसी है कौन सी आई टी आई टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी टू थाउजेंड ये आपकी जो डेवलप की जा रही है यानी नोटिफाई की जा रही है क्यों इट इनेबल्स ये इनेबल्स करती है कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपकी इनेबल करती है फॉर सेटिंग ऑफ आई टी आई टीज एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड मैनुफैक्चरिंग डिजाइन मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इन स्टेट ये जो आपकी पॉलिसी है आई टी आई एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग ये इनेबल करती है यानी एक ऐसा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है आई टी आई और ई एस टी एम सेटअप करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए जिससे कि प्रदेश में आपका स्वरोजगार को यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी जो युवा युवतियां अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हीं सभी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपका सेटअप की जाएंगी क्या आई टी आई टी टी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट थ्रू एंटरप्रेनशिप इन स्टेट तो इसी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ही आपका जो ये पॉलिसी लाई जा रही है नोटिफाई की गई 2019 में तो ये किस तरह से कार्य करेगी हम आगे देखेंगे इसकी बात करें इसके आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखने की इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पॉलिसी जो आपकी आई है इसके ऑब्जेक्टिव और जो आपके गोल्स हैं सभी आपको पता होने चाहिए एग्जाम अगर आपसे इस इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये मेन ऑब्जेक्टिव आप आपको काम आएंगे आपको एक अच्छा आंसर लिखने में आंसर में आपको ये डालने पड़ेंगे अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी की कौन सी पॉलिसी हम डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैनुफैक्चरिंग आई टी आई टीज पॉलिसी टू थाउजेंड नाइनटीन तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नंबर वन की हम बात करते हैं नंबर वन आपको बताया गया है ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ फ्रंट रनर डेस्टिनेशन फॉर आई टी आई टीज एंड ई एस टी एम कंपनीज़ यानी हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करना एज अ फ्रंट रनर रनर यानी आपका फ्रंट जो आपका टॉप डेस्टिनेशन बनाना हिमाचल प्रदेश को फॉर आई टी आई टी एस एंड ई एस टी एम कंपनीज को इन कंपनीज के लिए जो है फ्रंट रनर बनाना हिमाचल प्रदेश को फ्रंट रनर डेस्टिनेशन बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर वन है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट बात की जा रही है आपकी सेटअप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड टू बोल्ड आई टी आई एस एंड ई एस डी एम कंपनीज इन द स्टेट यानी आपका एस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को आपका सेटअप करना जो कि आपकी रिक्वायर्ड होती है आई टी आई एस ई एस डी एम कंपनीज के लिए प्रदेश में तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ये पॉलिसी है इस कि जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एक और ने ऑब्जेक्टिव क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो कि रिक्वायर्ड है आपकी आई आपका आई टी आई एंड ई एस कंपनीज को बनाने के लिए जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो सेटअप करना नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन द स्टेट टू स्ट्रेंथन द स्किल्ड मैन पावर अब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट तैयार करना प्रदेश में जो कि आपका बढ़ावा दे किसे स्किल्ड मैन पावर रिसोर्सिस को यानी जो आपके हिमाचल प्रदेश के युवा हैं उन्हें स्किल मैन पावर मैन पावर रिसोर्सेज मैन पावर रिसोर्स हिमाचल प्रदेश के युवाओं की बात की जा रही है यहाँ पर उनकी जो आपकी स्किल है उनको बढ़ावा देना ताकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट तैयार किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत जिससे कि आपकी स्ट्रेंथन की जा रही है यानी बढ़ावा दिया जा रहा है स्किल्ड मैन पावर पावर को मैन पावर रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं तो मैन पावर रिसोर्सिस को स्किल्ड करने के लिए जो है इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट जो है तैयार किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रीनर्स इन द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द फील्ड ऑफ आईटी आईटीएस एंड ईएसटीएम यानी आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन को इनक्रेज करना और सपोर्ट करना ताकि वो पार्टिसिपेट करें आई टी आई टी एस एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग सेक्टर है इसमें आपका पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और इंक्रेज किया जा रहा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेनर्स को जो आपके लघु मध्यम और उच्च आपके इंटरप्रेनर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बताया गया डेवलप अ फ्रेमवर्क विद अ बैक एंड ऑटोमेशन टू स्ट्रेंथन अ बिजनेस प्रोसेस यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना बैक एंड ऑटोमेशन के साथ जो कि आपका किसमें बढ़ोतरी करें यानी बढ़ावा दे किसको बिजनेस प्रोसेस को जो हिमाचल प्रदेश में बिजनेस प्रोसेस है अगर जो एंटरप्रेनर्स हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करना जो बैक ऑटोमेशन के साथ हो और स्ट्रेंथन करे बिजनेस प्रोसेस को नेक्स्ट आपका इस्टेब्लिश अ फेवरेबल इन्वायरमेंट बाय गारंटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क यानी एक फेवरेबल इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करना जो कि आपका डिजिटल सर्विसेज हैं उन्हें डे, आपको डिलीवर करें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क में यानी आपका जो वो गारंटीड डिजिटल सर्विसेज़ है आपकी डिलीवर की जाएंगी एक ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है इस पॉलिसी के तहत इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तैयार किया जाएगा या हो रहा है वर्क कर रही है आपकी पॉलिसी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द इम्प्रूव इम्प्रूव द ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट यानी ओवरऑल जो आपकी सोशो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक आपकी बढ़ोतरी है उसमें ओवरऑल ग्रोथ के लिए ओवरऑल ग्रोथ करना इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव में आता है इसका यानी सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टेट की उसमें इम्प्रूवमेंट करना और नेक्स्ट है कंसंट्रेट ऑन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आपको जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को के ऊपर फोकस किया जाएगा और साथ ही में जनरेट मोर इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एनकरेज एंटरप्रेनरशिप इन द स्टेट यानी आपका स्टेट में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और साथ ही में एनकरेज एंटरप्रीनरशिप इन द स्टेट जो आपके एंटरप्रेनर्स होते हैं यानी जो स्वरोजगार उत्पन्न करने यानी आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाते हो एंटरप्रेन्योर यानी नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो आप जॉब सीकर नहीं हो आप जॉब गिवर हो तो उन्हें एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है जो जॉब सीकरस होते हैं उन्हें एंटरप्रेन्योर्स नहीं जो जॉब गिवर होते हैं यानी ऐसा कोई इनिशिएट स्टार्ट करते हैं जिससे कि सिर्फ वही कार्य नहीं करते हैं लेकिन उनके अंडर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है तो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कुछ इसी तरह का होता है तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है ये पॉलिसी लाई जा रही है तो आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप इन्हें फिर से देख सकते हो एक बार ख़ुद से अटैली कर सकते हो एक बार क्योंकि आपको इनको याद करना बहुत ज़रूरी है मैं तो कहता हूँ आप इन्हें रट लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में अगर मेन्स लिख रहे हो आप तो मेन्स में आपको ये डालने ही पड़ेंगे मेन्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने ही पड़ेंगे अगर किसी पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष पॉलिसी की अब आयुष पॉलिसी 2019 की जो ये रिपोर्ट है इसे पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका आयुष पॉलिसी हिमाचल जब इसके रिगार्डिंग पढ़ने से पहले आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष पॉलिसी है जो आपका आयुष कार्यक्रम है ये पॉलिसी है तो इसे एक बार इसके ऑब्जेक्टिव और जो आपके मेन इसके फोकस की पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा सोर्स मैं आपको बताता हूँ आप इनसाइड्स ऑफ इंडिया पे जाओगे इनसाइड्स ऑफ इंडिया पे अगर आप आयुष मिनिस्ट्री या फिर आयुष जो आपकी पॉलिसी है उससे रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर इनसाइड्स ऑफ इंडिया में ही इसके रिलेटेड सभी फैक्ट्स मिल जाएंगे की फैक्ट्स वहाँ पर आप मिल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आयुष जो आपकी ये स्कीम है जो आपका फैसिलिटीज़ है आयुष के अंडर साथ ही में क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं तो आप वहाँ से इन्हें से कवर कर लीजिए और साथ ही में हिमाचल की बात कर तो हिमाचल प्रदेश जो आपकी आयुष पॉलिसी टू थाउजेंड नाइनटीन ये नोटिफाई की गई है इसके रिगार्डिंग आपको जो पॉलिसी स्टेटमेंट है और साथ ही में मिशन है हिमाचल तरफ से हिमाचल सरकार की तरफ से क्या मिशन है इसका वो आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर मैं आपको रीड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ मिशन है हिमाचल प्रदेश सरकार का आयुष पॉलिसी टू लाने का और साथ ही में इसका विजन स्टेटमेंट भी हम देखते हैं अब पॉलिसी हैज बिन डेवलप विद अ विजन टू ब्रिंग अबाउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय वर्किंग प्रोग्रेसिवली फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ आउटकम बाय प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटी एट दोर स्टेप एंड इंटीग्रेटेड द आयुष बेस्ड लाइफ स्टाइल एट द ग्रॉस रूट लेवल एंड डेवलप हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड डेस्टिनेशन इन आयुष सेक्टर इंक्लूडिंग वेलनेस विद फोकस ऑन प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये है आपका विजन स्टेटमेंट जो आपका आयुष पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफाई की गई टू की तो आपको ये याद कर लेना है आपको अच्छे से पढ़ लेना है विजन स्टेटमेंट क्योंकि विजन स्टेटमेंट आप किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो किसी की एंडिंग देख सकते हो तो ये आपको ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है इकोनॉमिक सर्वे में आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए बात करें मिशन ऑफ द आयुष पॉलिसी जो आपका मिशन है 2019 इस आयुष पॉलिसी 2019 का तो इसका मिशन मेन क्या है टू स्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिजाइन नेटवर्क ऑफ आयुष सर्विस इन द स्टेट प्रोवाइडिंग ईजिल एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जनरल पॉपुलेशन अब जो आपका न, आप मिशन है इसका टू स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग वेल डिजाइन नेटवर्क आपको ये समझ आ गया होगा टू स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिजाइन नेटवर्क ऑफ आयुष सर्विस इन द स्टेट प्रोवाइडिंग इजली एक्सेसिबल अफोर्डेबल इक्वेटेबल हेल्थ केयर